मध्य प्रदेश में नहीं खत्म हो रहा सियासी दंगल। कमलनाथ सरकार के विश्वास मत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज करीब 4 घंटे तक सुनवाई। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी बहस। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर से पूछा सवाल, अब तक इस्तीफों पर क्यों नहीं लिया फैसला। भोपाल में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, पुलिस ने किया बचाव। कोर्ट में कमलनाथ की ओर से दलील, कहा मुख्यमंत्री हूं, कांग्रेस के बंधक विधायकों से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। बेंगलुरु में कांग्रेस के बागी विधायकों ने पुलिस से मांगी सुरक्षा, कहा किसी भी नेता से नहीं मिलना चाहते। सियासी खींचतान के बीच शिवराज सिंह का दिखा अनोखा अंदाज, बीजेपी विधायकों के साथ क्रिकेट खेला। बेंगलुरु पहुंचे दिग्विजय सिंह की विधायकों से मिलने की मांग, कर्नाटक हाईकोर्ट ने की खारिज। दिग्विजय ने विधायकों को बंधन बनाने का आरोप लगाया। आज सुबह बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचे दिग्विजय सिंह को पुलिस ने लिया था हिरासत में। विधायकों से मिलने पर अड़े थे दिग्विजय। बेंगलुरु में दिग्विजय सिंह को हिरासत में लिए जाने पर राज्यसभा में जमकर हंगामा, कार्यवाही करनी पड़ी स्थगित। बीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से की दिग्विजय पर कार्रवाई करने की मांग, कहा लोकतंत्र का कर रहे हैं माहौल खराब। नहीं थम रहा देश में कोरोना के पीड़ितों की संख्या, अब तक 154 केस पॉजिटिव। 15 लोगों का अब तक हुआ सफल इलाज, 3 की जा चुकी है जान। आज कोरोना के 15 नए मामले सामने आए, कर्नाटक, महाराष्ट्र, लद्दाख, हरियाणा, यूपी में कोरोना के नए मरीज बने। दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना का नया केस आया सामने, अब तक कुल 4 मामले। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 43 केस, 27 यूपी में, 17 केस पॉजिटिव। कोरोना के चलते वैष्णो देवी की यात्रा बंद, बसों की आवाजाही पर रोक। कोरोना का रेल यात्रा पर असर, 60% से ज्यादा ट्रेन रिजर्वेशन कैंसिल। मुंबई की फिल्म सिटी कोरोना के चलते बंद, टीवी फिल्मों की शूटिंग पहले ही की जा चुकी है बंद। मुंबई का जुहू बीच भी कोरोना के चलते बंद, दुकानों को भी किया गया बंद। राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार नहीं ले रही सही एक्शन, आगे हालात और होंगे भयावह। कोरोना का वाराणसी की गंगा आरती पर असर, 7 प्लेटफॉर्म का जगह 1 प्लेटफॉर्म से ही होगी आरती। दिल्ली में प्लेटफॉर्म में भीड़ कम करने के लिए किराया बढ़ाया गया, 10 रुपए का टिकट अब 50 रुपए। कोरोना पर जागरूकता को लेकर केरल पुलिस की अनोखी पहल, डांस करके दिया कोरोना से बचने का संदेश। स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग, मास्क लगाकर दर्शन। टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती ने लंदन से आने के बाद खुद को किया घर में कैद, लोगों को दिया कोरोना से सावधानी बरतने का संदेश। कोरोना के चलते एक परिवार ने शादी की तारीख आगे बढ़ाई, 27 मार्च को होनी थी शादी। 46 सालों में पहली बार बंद हुआ जोधपुर का मेहरानगढ़ किला, यात्रियों के लिए जारी किया गया संदेश। पांडिचेरी में अरविंदो आश्रम भी यात्रियों के लिए बंद, शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल भी बंद करने का फैसला। असम अरुणाचल बॉर्डर में लोगों की स्क्रीनिंग, अब तक कोई पॉजिटिव केस नहीं। दानापुर में क्लास बंद होने के बाद ऑनलाइन क्लास का लिया गया फैसला, लैपटॉप मोबाइल पर शुरू हुई क्लास। लखनऊ जेल में कैदियों को बांटे गए साबुन और सैनिटाइजर, लाउडस्पीकर से बताए गए सावधान रहने के उपाय। शिरडी में साईं बाबा मंदिर में प्रसादालय बंद, पसरा सन्नाटा। फरीदकोट के सरकारी मेडिकल अस्पताल से कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज देर रात हुआ फरार, 1 दिन पहले ही हुआ था दाखिल। चंद्रपुर में 10वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान कोरोना को लेकर सावधानी, छात्रों को एक दूसरे से करीब 1 मीटर दूर बैठाया गया। कोरोना वायरस के चलते ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में होने वाली सामूहिक गंगा आरती पर 31 मार्च तक रोक, देश विदेश के श्रद्धालु लेते हैं हिस्सा। जयपुर के गोविंद देव मंदिर को किया गया सैनिटाइज, भक्तों के हाथ धोने के लिए खास इंतजाम। अहमदाबाद में शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर गेट बंद, सिर्फ 1 गेट से ही हो रही है एंट्री। झांसी में किले और रानी महल को यात्रियों के लिए किया गया बंद, पुरातत्व स्मारक बंद, स्मारक जाने पर भी रोक। सहारनपुर में जिला न्यायालय को आम लोगों के लिए किया गया बंद, सिर्फ जरूरी काम की होगी सुनवाई। कोरोना वायरस के बचाव के लिए गोरखपुर मंदिर में यज्ञ, कोरोना को खत्म करने के लिए पूजा। मथुरा का इस्कॉन मंदिर कोरोना के चलते बंद, 31 मार्च तक मंदिर में सिर्फ रहेंगे पुजारी। जमशेदपुर में कोरोना के चलते रेल यातायात पर असर, 4 दिनों में 20 लाख का रिजर्वेशन टिकट लोगों ने कराया कैंसिल। कश्मीर में भी कोरोना को लेकर अलर्ट, अनंतनाग रेलवे स्टेशन में यात्रियों की स्क्रीनिंग।
कानपुर में रेलवे स्टेशन को किया जा रहा है सैनिटाइज, यात्रियों के उतरते ही दवा का छिड़काव। सासाराम में कोरोना के चलते कई रेलवे बुकिंग कैंसिल, सिविल कोर्ट में भी सन्नाटा। संसद में भी एंट्री से पहले गेट पर हो रही है थर्मल स्क्रीनिंग, एहतियात के तौर पर सुरक्षा अधिकारियों ने उठाया कदम। लखनऊ में सीएम योगी की हुई थर्मल स्क्रीनिंग, कोरोना वायरस से बचाव के लिए मंत्रियों ने भी कराई जांच। कोरोना टेस्टिंग को लेकर ममता का सख्त फरमान, बोली कोई वीआईपी को नहीं मिलेगी छूट, सबको एयरपोर्ट पर मानने होंगे नियम। भारतीय सेना भी कोरोना की घुसपैठ, लद्दाख में तैनात जवान संक्रमित, पिता कुछ दिन पहले ईरान से लौटे थे। कोरोना को लेकर अलर्ट में सेना, ट्रेनिंग और अभ्यास काम पर लगाई रोक। भारत से लौट रहे 6 मलेशियाई पर्यटक चेन्नई एयरपोर्ट पर फंसे, मलेशिया ई दूतावास कर रहा है आनाकानी। मिर्जापुर में कोरोना के चलते विंध्यवासिनी मंदिर की गर्भगृह को किया गया बंद, चरण स्पर्श पर भी लगाई रोक। पुष्पर के ब्रह्म मंदिर में भी कोरोना की वजह से सूना, 50 से ज्यादा लोगों को दर्शन करने की अनुमति नहीं। अजमेर शरीफ दरगाह को भी कोरोना के चलते किया गया सैनिटाइज, लोगों की हो रही है स्क्रीनिंग। कोरोना संक्रमण पर बिहार सरकार भी सतर्क, 31 मार्च तक राज्य के सभी पार्क और उद्यान बंद। राज्यसभा में सांसदों पर सवार, कोरोना की दहशत पर सभापति हुए खफा, सांसदों को मास्क उतारकर सदन में आने को कहा। कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने जताया विरोध, कहा मास्क पहनने या नहीं पहनने का फैसला खुद करे सांसद। दिल्ली पुलिस ने दिया संकेत, कोरोना से निपटने के लिए जल्द और भी कदम उठाए जा सकते हैं। दिल्ली में किसी भी तरह के धरने प्रदर्शन की इजाजत नहीं, पुलिस की लोगों को सलाह, बेवजह घर से ना निकले। पुलिस ने लोगों को जमावड़ा ना लगाने को कहा, सार्वजनिक जगहों पर किसी तरह की एक्टिविटी के लिए नहीं मिलेगा परमिशन। निर्भया केस में आया नया ट्विस्ट, दोषी पवन की नाबालिग होने की पुनर्विचार याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 6 जस्टिस इन चेंबर करेंगे विचार। पटियाला हाउस कोर्ट में दोषियों के वकील एपी सिंह ने फांसी पर रोक लगाने की मांग की, पवन की पुनर्विचार याचिका और अक्षय की दया याचिका का दिया हवाला। पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से मांगी रिपोर्ट, कल दोपहर 12 बजे होगी सुनवाई। दोषी मुकेश के घटना के वक्त राजस्थान में होने की दलील को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को भी चुनौती, दिल्ली हाई कोर्ट ने सुरक्षित किया फैसला। 20 मार्च को दोषियों को दी जाने वाली है फांसी, तिहाड़ जेल में पवन जल्लाद ने डमी फांसी देकर टेस्टिंग की। मुस्लिम संगठनों का सीए और एनआरसी के खिलाफ हल्ला बोल, चेन्नई की सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी, शाहीन बाग में भी प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं, कोरोना से बचने के लिए किए गए हैं खास इंतजाम। मुजफ्फरपुर में एनआरसी के विरोध में सड़क जाम को लेकर हंगामा, हिंदू संगठनों ने सड़कों पर जलाए टायर। डॉक्टर कफील की गिरफ्तारी का केस सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया ट्रांसफर। सीए के विरोध प्रदर्शन को लेकर हिंदू धर्म परिषद ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग। सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड, सरकार के कामकाजों को लेकर थपथपाई खुद की पीठ। मिशन 2022 को लेकर यूपी बीजेपी का मंथन, योगी आदित्यनाथ ने आला नेताओं के साथ की बैठक। भीमा कोरेगांव केस में चुनाव आयोग के सामने शरद पवार, दर्ज कराएंगे बयान, 4 अप्रैल को पेश होने के लिए किया गया तलब। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकियों की पनाहगाह का खुलासा, सुरक्षा बलों ने किया निशाना। पाकिस्तान ने एलओसी में फिर तोड़ा सीज फायर, केरनी सेक्टर में गोलीबारी। यूपी के बागपत में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, महिलाओं के साथ मारपीट। बागपत में युवक का हवा में कई राउंड फायरिंग करने वाला वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया केस। बहराइच में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत। गाजियाबाद में जयपुर से हरिद्वार जा रही बस में अचानक लगी आग, कोई हताहत नहीं। आजमगढ़ डीएम कार्यालय में सिलेंडर फटने से हड़कंप, 1 मजदूर घायल। कानपुर में लड़की की गला काटकर हत्या, आरोपी प्रेमी फरार। हमीरपुर में फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर सेना में भर्ती होने के मामले में सीबीआई का एक्शन, लेखपाल बाबू और ग्राम प्रधान के दर्ज किए गए बयान। यूपी के हापुड़ में कोरोना की वजह से स्कूल बंद, बावजूद परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने का आदेश दिया।
पुणे में कार शोरूम के बाउंसर और फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 6 देसी तमंचे बरामद, 15 कारतूस मिले। इंदौर में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 20 लाख रुपए के नकली नोट बरामद। उधम सिंह नगर में पुलिस ने लाखों की विदेशी शराब पकड़ी, तस्कर पुलिस के गिरफ्त में से फरार। गुरदासपुर में स्कूली बच्चों की लड़ाई में परिवार के बीच चली गोलियां, एक बुजुर्ग की मौत, 4 की हालत गंभीर। अमृतसर में बच्चा न होने से परेशान युवती ने आत्महत्या की, पहले भी आत्महत्या की कर चुकी थी कोशिश। मुक्तेश्वर में घर में घुसकर शख्स की गला रेतकर हत्या, घर पर नहीं मौजूद था परिवार। पठानकोट ने लूट और हत्या करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, हथियार के साथ एक शख्स गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के जेल कैदी बना रहे हैं मास्क, 9 मंडलों में हो रही है आपूर्ति। मुजफ्फरपुर में मास्क लगाकर आए लुटेरों ने स्टेट बैंक से लूटे 2.5 लाख, हवा में हथियार लहराकर धमकी दी। मोतिहारी में दादा पोते को मारी चाकू, दादा की मौत, पोते की हालत गंभीर। राजकोट में एक बड़ी कंपनी के ऑफिस में भीषण आग, आग से करोड़ों का नुकसान। पाली में बेटी होने पर पिता बना हैवान, 9 माह की बेटी की हत्या की। असम को कोकराझार में बड़ी मात्रा में हथियार बरामद, पुलिस और सेना का सफल ऑपरेशन। बाराबंकी में जमीन विवाद में सगे भाई ने ली भाई की जान, आरोपी फरार। राजस्थान के चुरू में दर्दनाक हादसा, घर में लगी आग, 4 बच्चों को जिंदा जलाकर मौत। मथुरा में जेल से फरार 5 कैदी, फरार कैदियों में हत्या का आरोपी भी शामिल। एमपी के खरगोन में तेंदुए को कुएं से रेस्क्यू किया गया, बाहर आते ही तेंदुए ने 2 लोगों पर हमला किया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।